चेन्नई के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर एक मजबूत स्कोर बनाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अपनी पहली जीत आईपीएल में नसीब हुई। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली की टीम ने चेन्नई को इस बड़े मुकाबले में चारों खाने चित कर दिया, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा बयान सामने आया है। तो चलिए बताते हैं धोनी ने किसे माना हर का जिम्मेदार और हर के बाद ऋषभ पंत को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन आप सभी अगर धोनी के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत आज शानदार रही। डेविड वार्नर ने 52 रन की शानदार पारी खेली तो पृथ्वी शॉ ने उसके बाद जब मुश्किल में फंस रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जिम्मा उठाया। कप्तान ऋषभ पंत ने कम बैट के बाद अपना पहला अर्धशतक यहां पर लगाया। 32 गेंद में शानदार 51 रन की परी उन्होंने के लिए, जिसके चलते दिल्ली ने 191 रन बनाए थे लक्ष्य का पीछे करने। उतरी चेन्नई की शुरुआत आज इस मुकाबले में अच्छी नहीं रही। खलील अहमद की शानदार गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली। उन्होंने पहले गायकवाड़ को एक रन के स्कोर पर चला की और उसके बाद रविंद्र को दो रन के स्कोर पर। शुरुआत में तगड़ा दबाव चेन्नई की टीम के ऊपर बना लिया था दिल्ली की टीम ने, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे और मिशेल के बीच एक साझेदारी हुई। दोनों ने टीम का स्कोर 75 तक पहुँचा, उसके बाद नीचे 34 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद रहने 45 रन बनाकर आउट हुए और 120 रन पर 6 विकेट हो गए थे। जब धोनी बल्लेबाजी पर आए तो 23 गेंद में 72 रन जीत के लिए चाहिए थे। धोनी ने आकर कुछ शानदार शॉट जरूर खेल और सभी का दिल जीता, लेकिन अंत में गन्ने की टीम इस मुकाबले को नहीं जीत सकी। हार के बाद धोनी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने एक बड़ा स्कोर तो बनाया था, लेकिन हमारी शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दो विकेट हमारे जल्द ही गिर गए थे और किसी भी बड़े स्कोर को हासिल करने के लिए शुरुआत बेहतर होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमारी टीम को करने में कामयाबी हासिल नहीं करतेगी। बीच में रहने और ने थोड़ी थी उम्मीद को कायम किया, हालांकि उसके बाद टीम दबाव में आ गई थी और जब मैं बल्लेबाजी पर आया तो काफी ज्यादा रन चाहिए थे। मैंने कोशिश तो करी, लेकिन इतना बड़े स्कोर को जीत नहीं दिला सका। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत का भी अहम योगदान रहा, उनकी बल्लेबाजी बहुत शानदार रही। कम बैक करके उन्होंने स्थापित कर दिया कि बहुत क्रिकेट उनके अंदर बचा है। उनकी वह शानदार अंत में बल्लेबाजी ही हमारी टीम की हार का कारण बनी, क्योंकि स्कोर जहां पर 170 रन तक रोका जा सकता था वह 191 तक पहुंच गया और वही रन हमारे ऊपर भारी पड़े। इस तरह से धोनी ने अपनी बात कही। वैसे आप सभी को क्या लगता है किस वजह से सारी चेन्नई की टीम, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।